आज केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले थे। मुलाकात पूरी हो चुकी है। अब इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि भविष्य में इस तरह के दंगे नहीं होने चाहिए, जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो उठाए जाने चाहिए, ऐसा केजरीवाल बोलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है, इससे पहले केजरीवाल ने अमित शाह के साथ बैठक की थी, अब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की है। ये बैठक 11 बजे शुरू हुई थी, अब खत्म हुई है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल देश के माहौल को लेकर और खासकर दिल्ली के माहौल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने अपने इस बयान में, सुनिए इस वीडियो में। मैंने प्रधानमंत्री जी से अपील की और उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये कोशिश करनी है कि भविष्य के अंदर कभी भी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है, जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है भविष्य में इस किस्म के दिल्ली में दोबारा दंगे कभी नहीं होने चाहिए। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और जो भी इसमें स्टेप्स उठाने की जरूरत है। SPN9 न्यूज़ रूम से नाज़िमिन की रिपोर्ट।